अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई की ओल्ड i20। कस्टमर को इसमें कंप्लेंट है एसी लेस कूलिंग बहुत ही कम आ रहा है, थ्रो ही नहीं आ रहा उसमें। एसी गैस रिकवरी करी है हमने 250, 250 गैस रिकवरी करी है। बाहर हमने लीक चेक किया, बाहर लीक नहीं मिला हमें। कूलिंग कॉइल हमने देखा कि चलो कूलिंग कॉइल देखते हैं लीक उसमें होगा, क्योंकि बाहर लीक नहीं है और काफ़ी टाइम से इसकी एसी सर्विसिंग भी नहीं हुई थी। तो मैंने ये डैशबोर्ड खोल लिया है, अभी डैशबोर्ड खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कैसी है, कहाँ है। ये देखो, ये खोलते हैं कूलिंग कॉइल का कवर, ये देखो कूलिंग कॉइल पूरा चोक रखा हुआ है, हवा यहाँ से सप्लाई ही नहीं हुई थी। तो कूलिंग का लेस कूलिंग का कंप्लेंट आएगा, पूरा चोक हो गई है कूलिंग कॉइल और लीक भी है इसमें। देखो ये नीचे से लीक है, देखो यहाँ से पानी लीक हो रहा है और साथ में गैस भी लीक हुई है, इसलिए इसको बदलना होगा और बदल के इसमें अपन को नया डालना होगा। ठीक है, ये गड़बड़ काम, पूरा नया डालना है इसको, कस्टमर को बोलना पड़ेगा ये कूलिंग का लीक है और चेंज करना है। हालांकि उसने अप्रूवल दे दिया कि जो भी प्रॉब्लम है चेंज करो, इसको ठीक करो। ठीक है, और दूसरा इसमें एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो अपन को ध्यान रखना गाड़ी अपन कहाँ खड़ी कर रहे हैं। देखो नहीं तो पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करो तो ये प्रॉब्लम आती है, ये डस्ट हो जाती है पूरी जमा यहाँ पे साइड में कॉल टॉप के नीचे, ये होती है साइड में पूरी डस्ट जमा। ठीक है, और डस्ट जमा होने से ये क्या होता है, ये हो जाता पूरा ब्लॉक, ये देखो पूरा हो जाता ब्लॉक। ब्लॉक होने से क्या होता है, इसका पानी यहाँ से बाहर नहीं जाता, बाहर ना जाके पानी यहाँ रुका रहेगा, रुका रहेगा तो ये आगे लोहे को नीचे ख़राब कर देगा, लोहे को ख़राब करेगा यहाँ से तो पानी अंदर जाएगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर पानी जब जाएगा तो बड़ा लंबा खर्चा आएगा। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अपन गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं, पेड़ के नीचे तो कवर रखना है, कवर से ढांकना है और हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ऑल टॉप रिटेनर अपन को सर्विसिंग के दौरान खोल के साफ़ करवाना है। साफ़ करवाते रहेंगे तो अपन को ये खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि पड़ा हुआ लोहा सड़ जाता है, यूज़ में रहेगा, इस्तेमाल में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो डस्ट जमा हुई है, कस्टमर को बेनिफिट है कि अभी उसका डैशबोर्ड खुला है, ये साफ़ हो जाएगा तो अभी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी ये गाड़ी पुरानी है, लोहा जल्दी ख़राब होएगा इसका अगर इस तरह से पानी में रहा तो, है ना। पानी में नहीं रहेगा तो ये देखो अभी भी बेहतरीन है लोहा इसका, है ना। तो ये ध्यान रखना है अपन को। बाकी ठीक है, फिर इसका अपन कूलिंग का ऑयल बदलते हैं, थर्मिस्टर बदलते हैं, एसी गैस एसी ऑयल, और बस कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे अपन।